किया था, नल मैट्रिक्स भी पढ़ लिए थे हम लोग, उसके साथ डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े थे, ठीक है, इतना ही हुआ था। अब आज हम लोग अच्छा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी पढ़े थे, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, है ना, ये भी हो गया था, ठीक है। तो आज हम लोग है ना उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इसेंशियल कंडीशन मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और साथ ही साथ ईच डायगोनल एलिमेंट, जो भी इसका डायगोनल एलिमेंट होगा वो सेम होना चाहिए, ईच डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। देखिए ये जो दो कंडीशन अभी हम लिखे उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पता है प्लेस, मान लिया इसको 3x3 का हम बनाते हैं तो टोटल 9 प्लेस होगा 3x3 का। ये जो तीन पार्ट है ये इसका डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है यहां पे देखिए कंडीशन क्या लिखा है, डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। कहने का मतलब है कि अगर डायगोनली हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं, वो सबका सब सेम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ए लिखे तो इस प्लेस पे भी ए होना चाहिए और यहां पे भी ए होना चाहिए, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट से रिलेटेड कंडीशन हो गया। अब अदर देन डायगोनल पे हम लोग क्या करेंगे, तो जब कभी भी स्केलर मैट्रिक्स होगा तो ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। और पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो अदर देन डायगोनल सारे प्लेसेस पे केवल जीरो होता है, ठीक है। तो जब हम लोग स्केलर मैट्रिक्स का लिस्टिंग कर रहे हैं उसके डायगोनल प्लेसेस पे एलिमेंट सबका सब सेम होगा और नॉन जीरो होगा, उसके अलावे जो भी प्लेस बचा हर एक प्लेस पे जीरो होगा, हर एक प्लेस पे एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि डायगोनल प्लेस पे सेम एलिमेंट और अदर देन डायगोनल सारा का सारा एलिमेंट जीरो रहेगा। कंडीशन ये बनता है कि अगर कोई मैट्रिक्स जो हम सामने रिप्रेजेंट किए ए है और इसको हम लोग दिखाए कि इसका जनरल एलिमेंट ए आई जे है, आपको याद है पिछले क्लास में पढ़े थे आई क्या रिप्रेजेंट करता है, रो, रो नंबर, और जे क्या डिनोट करता है, कॉलम, ठीक है। तो ए आई जे है वो जनरल एलिमेंट है, किस चीज का जनरल एलिमेंट है, मैट्रिक्स ए का जनरल एलिमेंट, ठीक है। अब इस स्केलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या बनता है कि ए आई जे का वैल्यूएशन दैट शुड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ए आई जे यानी जनरल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। कब जनरल एलिमेंट जीरो होगा, जब कभी भी अदर देन डायगोनल प्लेसेस होगा। कहने का मतलब है जब भी आई और जे बराबर नहीं होता है, ठीक है, आई और जे नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर नहीं होता है, उस प्लेस पे हमेशा जनरल एलिमेंट का वैल्यू जीरो होगा। अगर हम इस प्लेस के लिए देखें ये डायगोनल, डायगोनल तो डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होता है उसके लिए पोजीशन हम लोग ए आई जे लिखेंगे, सो नॉट इक्वल टू जीरो, कब का, जब आई इक्वल्स टू जे होगा। आई इक्वल्स टू जे होना इसका मतलब हो गया कि वो डायगोनल एलिमेंट है, और आई और जे अगर इक्वल नहीं होता है तो वो अदर देन डायगोनल प्लेसेस होता है। तो जब कभी भी अपने पास स्केलर मैट्रिक्स होगा तो अदर देन डायगोनल प्लेसेस हमेशा जीरो होगा, और जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो नॉन जीरो और इक्वल होगा। मतलब मान ले रहे हैं जैसे यहां पे 2, 2 और 2 लिखा तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया, 3, 3, 3 लिखा वो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। एक दो यहां पे एग्जांपल दे रहे हैं, देखिएगा जैसे एक बी मैट्रिक्स है, इसमें क्या लिखा है, 3, 3, 0, 0, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, 2x2, क्योंकि इसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम है। सी अगर इसमें लिखा है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये कितने ऑर्डर का है, 3x3। और इसमें देखिए जो भी डायगोनल प्लेस है, जो भी डायगोनल प्लेस है इसमें सारा एलिमेंट इक्वल है, और किसके इक्वल है, 1।
तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कुछ बात ऐसा जो नहीं समझ में आया स्केलर मैट्रिक्स का? सब ठीक है? ठीक, देखिए इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ये अपने नाम के साथ थोड़ा पर्टिकुलर कंडीशन रखता है। क्या क्या कंडीशन रखता है वो लिखते चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, और एक इसका एडिशनल कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होगा वो वन होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स वन होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा मतलब रो और कॉलम का नंबर बराबर होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा इसका मतलब डायगोनल छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट जीरो होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा इसका मतलब है कि डायगोनल प्लेसेस का एलिमेंट सेम होगा, और डायगोनल एलिमेंट इन केस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू वन, वन छोड़ के और किसी को भी हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पुट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन सारे कंडीशन के बेसिस पे, यहां तक विजिबिलिटी है? नहीं, उस साइड में यहां पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उधर साइड में थोड़ा बोर्ड कट रहा है तो यहां पे हम लिखते हैं। ठीक है, इस प्लेस पर उसको नहीं यूज करो कलर। ठीक है, व्हाइट यूज। देखिए, यस सर, एग्जांपल ले रहे हैं उसी का ए, सॉरी आइडेंटिटी के लिए ना हम लोग किसी दूसरे लेटर को यूज नहीं करते, उसके लिए पर्टिकुलर लेटर है आई, कैपिटल लेटर का आई। तो आई कितने ऑर्डर का? 2x2, तो इसमें चार एलिमेंट होगा, 1 0 0 1। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल भी है, अदर देन डायगोनल जीरो है, और डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल है? 1। दूसरा एक और I3, देखिए हम यहां 3x3 नहीं लिखे, हम क्या लिखे? 3 लिखने का मतलब हो गया कि इसमें तीन रो होगा और तीन कॉलम होगा। तो एलिमेंट्स कुछ ऐसा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जो भी इसका डायगोनल प्लेसेस है, जो भी इसका डायगोनल प्लेसेस का एलिमेंट है, अगर आप उस पर ध्यान दें, ये सारा एलिमेंट किसके इक्वल? 1। तो ये कहलाया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का? 3x3। वैसे ही I4 का मतलब हो गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का? 4x4। और अगर हम लोग I1 लिखते हैं तो ये एक अकेला 1 कंटेन करने वाला मैट्रिक्स होगा जिसमें कि 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये है एक I1 1x1 ऑर्डर का आइडेंटिटी, 2x2 का, 3x3 का, और एक 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, किसी को दिक्कत है इससे रिलेटेड, कोई डाउट? देखिए अब इसी में एक क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, इन डायगोनल मैट्रिक्स। किसी का माइक ऑन है? डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5x5। ठीक है, 5x5 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसमें क्या एलिमेंट है उसे कोई मतलब नहीं, मगर हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। ठीक है, पैटर्न देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, आप अगर कभी भी, ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से ही बता रहे हैं, और ये हम 3x3 ले रहे हैं, बाद में आंसर देंगे 5x5 का, क्योंकि 5x5 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये किसी भी ऑर्डर का पूछा जा सकता है, इस कारण से हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल में पहले देखेंगे कि काउंटिंग कैसे करना है, और बड़े ऑर्डर का फिर काउंटिंग करेंगे हम। ठीक है, देखिए 3x3 का कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर है तो यहां समथिंग एबीसी होगा डायगोनल में, बाकी 0 0 0 ऐसा होगा। अब इसी में अगर आप काउंट करें
तो अपर पार्ट में आपको कितना जीरो दिखा, एक, और यहां कितना, दो। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें, सेम वही चीज यहां पे भी आपको यहां पे दिख रहा है एक जीरो, और यहां पे आपको दिख रहा है दो जीरो, एक दो, ठीक है। हम लोग अगर काउंटिंग करें तो देखिए दोनों आइडेंटिकल है, तो नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर पार्ट इज 1+2 एंड इन लोअर ट्रायंगुलर पार्ट एग्जैक्टली 1+2। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो 2 × 1+2 होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अब देखिए यहां पे सेंस क्या बनता है ना, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, इस 2 का मीनिंग तो समझे आप, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, इस कारण से 2 लिखा गया। अब 1+2 का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको रिलेट कीजिएगा कि मैट्रिक्स आपके कितने ऑर्डर का है, 3, तो 3 से जस्ट एक यूनिट कम, ठीक है, वहां तक नेचुरल नंबर का एडिशन होगा। तो अगर मैट्रिक्स 4x4 का होता तो हम लोग नंबर ऑफ जीरोस क्या लिखते, नंबर ऑफ जीरोस इज 2 × 1+2+3। देखिए 4x4 का है तो कहां पे एंड किए इसको, 3 पे, ठीक है। वैसे ही अगर 5x5 का होगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितना, नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 2 × 1+2+3+4। क्या आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है, जो सीक्वेंस सीरीज में पढ़े हुए थे आप, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज में आप ये पढ़े थे कि अगर कभी भी एन नेचुरल नंबर का एडिशन होता है तो उस टाइम में फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, एन n+1 / 2, ठीक है। अभी अगर आप यहां पे देखें पैटर्न, तो 5x5 में एडिशन हो रहा है 4 तक, 4x4 में एडिशन हो रहा है 3 तक, 3x3 में एडिशन हो रहा है 2 तक, ठीक है। हम लोग के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 5x5 में नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो यहां सॉल्यूशन, नंबर ऑफ जीरोस इन 5x5 डायगोनल मैट्रिक्स, 5x5 डायगोनल मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पे लिखा हुआ है 1+2+3+4 कितना आएगा, 10, ठीक है, 10, और 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, 20। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 5x5 के डायगोनल मैट्रिक्स में, 20। एक बार और, अगर बाई द वे आपसे पूछ दे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इन 6x6 मैट्रिक्स, 6x6 डायगोनल मैट्रिक्स, 6x6 डायगोनल मैट्रिक्स, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। क्या सबको ये समझ में आया, 2 क्यों, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर पार्ट में 2 बार रिपीटेशन होता है, इस कारण से हम लोग 2 यूज करते हैं। और कहां तक ऐड करेंगे इसको हम लोग, कहां तक, आंसर दीजिए, कहां तक ऐड करेंगे, 5 तक, 5 तक ऐड करेंगे, मीन्स 1+2+3+4+5, ठीक है। आपको सीक्वेंस सीरीज का ये फॉर्मेट याद है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, जैसा अभी बोल रहे थे, एन तक, n × n+1/2, ये पढ़े थे ना सीक्वेंस सीरीज में, ठीक है। अब अगर ये n-1 तक जाएगा, अगर ये सीक्वेंस n-1 तक जाएगा, तो आपको ये चीज मैथमेटिकल इंडक्शन और सीक्वेंस सीरीज दोनों में पढ़ाया गया था क्लास 11 में, ठीक है। n-1 तक अगर जाएगा तो फॉर्मूला बनता है n·2 / 2, नहीं नहीं, n-1 तक जाएगा, n-2 नहीं जाएगा, क्या फॉर्मूला बनता है, n × n-1/2, ठीक है। n तक अगर सीक्वेंस जाता है n n+1/2, और कभी अगर n-1 तक सीक्वेंस जाता है तो n × n-1/2। अब हम क्यों n-1 तक लेके आए, क्या आप इस बात को समझे, देखिए अगर मेरे पास ऑर्डर n होता है तो हम नंबर कहां तक ऐड करते हैं, n-1 तक, ठीक है। इस कारण से अगर हम इसको ऐड करें तो यहां पे हम लोग को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, n, n मीन्स क्या आया, ऑर्डर 6 × n-1
मीन्स कितना 5 और इसके डिवीजन में 2, ये और ये कैंसिल हो गया, ओवरऑल अपने पास कितना नंबर ऑफ जीरोज आया 30। तो जब कभी भी 6x6 का डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना 30। देखिए ये वाला चीज अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है आप अपनी कॉपी में 15x15 में 15x15 का डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा सॉल्व कीजिए, तब तक हम इसको रब करेंगे। और किसी को डाउट है तो वो हमसे पूछिए, कोई पार्ट जो नहीं समझ में आया 15 का था तो यहां पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड एन का वैल्यू क्या आया 15, तो नंबर ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल्स टू 2 times 15, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला ठीक है, एन यानी 15 और एन माइनस 1 14 डिवीजन में 2, ये कैंसिल हो गया, ओवरऑल 15 4 टाइम में कितना 60 और 15 और 6 कितना 21, मीन्स टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना 210, 210 सबका आंसर आया था। देखिए ऐसे ही जो अभी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में कैलकुलेशन किए ना नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस का क्वेश्चन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड भी आता है, पूछा जाता है। उसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 4x4 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 4x4 का अगर होगा ठीक है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, अपर ट्रायंगुलर पार्ट नॉन जीरो मगर लोअर ट्रायंगुलर पार्ट जीरो। तो अगर हम लोग इसमें एलिमेंट्स लिखें समथिंग एबीसीडी 4x4 का है, ऊपर में आप कुछ भी 1, 2, 3, 5, 7 और 9 ये ले लिए 9, और बाकी जो भी पार्ट बच गया लोअर ट्रायंगुलर पार्ट वो सब का सब कितना जीरो। तो हम लोग जीरो का कैलकुलेशन कहां पे करते हैं, हमको जो जीरो का कैलकुलेशन करना है वो लोअर ट्रायंगुलर पार्ट में करना है। देख लोअर ट्रायंगुलर पार्ट इसमें हम लोग को जीरो कैलकुलेट करना है कितना, अभी तो आप सिंपल सा काउंट कर लेंगे टोटल कितना हुआ 6 ठीक है, मगर तरीका ये होता है कि ये मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर का था। अगर आप देखें यहां पे 1 0 2 0 3 0, तो नंबर ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 6, ये तो काउंट कर लिए। मान लेते हैं अगर हम लोग को दे देता कोई ऑर्डर 16x16, इस ऑर्डर का कोई एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो जब बड़े ऑर्डर का देगा तो बनाना पॉसिबल नहीं होगा, उस टाइम में हम लोग को सीक्वेंस पहचानना होगा ठीक है। सीक्वेंस को देखिएगा, अगर ये मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर का है यानी nth ऑर्डर का है, तो हम लोग कहां तक ऐड कर रहे हैं इसको n-1 तक, क्या 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, नहीं इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि केवल एक ट्रायंगुलर पार्ट है जो कि जीरो कंटेन कर रहा है, ऊपर वाले ट्रायंगुलर पार्ट में जीरो नहीं है, इस कारण से हम लोग यहां पे 2 से मल्टीप्लीकेशन नहीं किए। तो ओवरऑल मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर या सम ऑफ एन माइनस 1 नेचुरल नंबर, क्या बनेगा अगर ऑर्डर आप एन लेते हैं तो हम लोग कहां तक ऐड करेंगे उसको n-1 तक ऐड करेंगे ठीक है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर एन है तो हम लोग नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए n-1 तक ऐड करेंगे उसको। तो अगर मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 16x16 है तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 कहां तक जाएगा 15 तक जाएगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो इट इज 16 × 15 / 2 और 15 एक टाइम में कितना देता है 120। हाँ यहां से इसको कैंसिल कीजिए एक टाइम में, और 8 × 15 = 120। तो जब कभी भी 16x16 ऑर्डर का कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 120। फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं,
नंबर ऑफ जीरोस इन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया अपर ट्राइंगुलर का या फिर लोअर ट्राइंगुलर का, दोनों टाइप के ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने का सेम तरीका होता है। और अगर कभी भी आपके पास नंबर ऑफ जीरोस इन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर जरूर मेंशन रहेगा, ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन पूछा गया, तो वैसे केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। अब ये फॉर्मूला लोअर ट्राइंगुलर के लिए भी एप्लीकेबल है, यही फॉर्मूला अपर ट्राइंगुलर के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत जीरोस से? ऑर्डर उसका इक्वल होना चाहिए। तो अपने एक क्वेश्चन में, जस्ट एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, उसमें एक मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, 2×3 ऑर्डर का, एलिमेंट्स दिया हुआ है 2, 3, 1, सेकेंड रो में 0, 4, 1, ठीक है। दूसरे मैट्रिक्स बी में एलिमेंट्स दिया गया है, फर्स्ट रो का एक्स, सेकेंड एलिमेंट वाई माइनस वन, 1, सेकेंड रो में पी 4-3, ये भी किस ऑर्डर का, 2×3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग इसको इक्वल करेंगे, 2, 3, 1, 0, 4, 1, दिस शुड बी इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस वन 1, पी 4-3, ठीक है, जैसा दिया था हम लोग लिख दिया। अब इसका यूज क्या है, अब क्या यूज है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का, देखिए दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो रिस्पेक्टिव प्लेस का एलिमेंट भी बराबर होगा। अब रिस्पेक्टिव प्लेस कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का, इधर साइड में एक्स को अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2। तो x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहां पे 2, यही यूज होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का, कुछ अननोन्स रहेगा जिसका हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, y माइनस वन वो किसके बराबर होगा, 3। आप ध्यान से देखें, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि y माइनस वन इज इक्वल्स टू 3। अब आप इसको सॉल्व करके y कैलकुलेट कर सकते हैं, 4, ठीक है। देखिए 1 तो 1 के बराबर, 0 p के बराबर, 0 किसके बराबर होगा, p, कारण है कि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो p का वैल्यू कितना आ गया, 0। 4 तो 4 के बराबर, अब हम लोग को फाइनली कैलकुलेट करना है a, तो a जो है ये सेकेंड रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ये किसके बराबर होगा, -3, यानी ए का वैल्यू क्या निकल गया, -3। तो ये जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट होता है उसका क्वेश्चन बस इसी तरीके से आता है, जिसमें कि मैट्रिक्स तो सेम ऑर्डर का प्रोवाइडेड होगा और उसमें कुछ एलिमेंट्स अननोन होगा, जिसको आपको इक्वल करने के बाद, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करने के बाद कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। इससे एक ही टाइप का क्वेश्चन ही आता है और ज्यादा इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, बस इसी में थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, डिफरेंट टाइप का इक्वेशंस होगा। एक दूसरा क्वेश्चन इसी पे देखते हैं, देखिए ये दिया है x माइनस वाई, एक एलिमेंट है 3, यहां लिखा है 5, इस प्लेस पे 2x माइनस वाई, ठीक है, is equals to 0, 3, 5, 1, ठीक, दोनों मैट्रिक्स बराबर, लेफ्ट वाला कितने ऑर्डर का, 2×2, राइट वाला कितने ऑर्डर का, 2×2। हम लोग अभी अभी सीखे कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिया हुआ रहता है, हमेशा रिस्पेक्टिव प्लेस का एलिमेंट आपस में इक्वल होगा, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर हम लोग निकालें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दो लीनियर इक्वेशन आया, जैसे हम लोग अलजेब्रा में इक्वेशन सॉल्व करते हैं,
हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, वाई और वाई कैंसिल हो गया, माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू यहां से माइनस वन, तो एक्स का वैल्यू क्या आया वन। अगर हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो वाई का वैल्यू भी कितना आ जाएगा वन, ठीक है। तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है जो कि अननोन्स के कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, ठीक। किसी को दिक्कत है इससे रिलेटेड, अभी जो हम लोग बोर्ड पे डिस्कशन किए इससे रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत? एक एग्जांपल है और एक और क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन और है, इसी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे एक क्वेश्चन डील कर रहे हैं। दिया हुआ है टू अल्फा प्लस वन थ्री बीटा जीरो, बीटा स्क्वायर माइनस फाइव बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस थ्री बीटा स्क्वायर प्लस टू जीरो माइनस सिक्स। और अपने क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो जो भी अननोन्स अल्फा एंड बीटा है उसका कैलकुलेशन करना है हम लोग को, ठीक है। आप ध्यान से देखें इसमें चार एलिमेंट है, ये कितने ऑर्डर का है टू क्रॉस टू, इसमें भी चार एलिमेंट है कितने ऑर्डर का टू क्रॉस टू, दोनों का ऑर्डर बराबर है, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब फर्स्ट प्लेस का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट प्लेस के बराबर होगा सेकंड मैट्रिक्स का, मीन्स टू अल्फा प्लस वन इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस थ्री। इक्वेशन सॉल्विंग के लिए अल्फा को लेफ्ट शिफ्ट किए तो टू अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू थ्री माइनस वन, ये आ गया अल्फा का वैल्यू टू, अल्फा खत्म। अब हम लोग को बीटा का कैलकुलेशन करना है, तो देखिए बीटा के लिए मेरे पास दो कंडीशन है, ठीक है। और अगर कभी भी आपको किसी एक पर्टिकुलर अननोन के लिए मल्टीपल कंडीशन मिलता है तो आप कम से कम दो कंडीशन जरूर यूज कीजिएगा। इसलिए अगर दोनों कंडीशन से सेम आंसर आया तो वही आंसर होगा, अगर दोनों कंडीशन से डिफरेंट डिफरेंट बीटा का वैल्यू आया तो इसका मतलब है बीटा डज नॉट एग्जिस्ट, समझे। जब कभी भी किसी अननोन के लिए दो पॉसिबल कंडीशन होगा तो दोनों कंडीशन पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अगर दोनों कंडीशन से आंसर सेम आया तब कहीं जाके हम लोग बोलेंगे कि वेरिएबल का वो वैल्यू होगा। अगर बाय द वे दोनों कंडीशन से वेरिएबल का डिफरेंट वैल्यू आएगा तो इसका मतलब हुआ कि वेरिएबल का वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझ रहे। कैलकुलेट करते हैं, पहले इसको यूज करते हैं कि थ्री बीटा किसके इक्वल, बीटा स्क्वायर प्लस टू, थ्री बीटा इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर प्लस टू, क्वाड्रेटिक बन रहा है, बीटा स्क्वायर माइनस थ्री बीटा प्लस टू, मिडिल स्प्लिट होगा माइनस टू और माइनस वन में, बीटा स्क्वायर माइनस टू बीटा माइनस बीटा प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों में से बीटा कॉमन ले लीजिए तो बीटा माइनस टू, माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो बीटा माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि बीटा माइनस वन इंटू बीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक का ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब बारी बारी से दोनों को इक्वल टू जीरो करेंगे हम लोग, तो बीटा का पहला वैल्यू आया वन और बीटा का दूसरा वैल्यू आया टू, कितना पॉसिबल वैल्यू अभी दिखा दो, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन को यूज करेंगे, ये वाला पार्ट इसके बराबर, तो बीटा स्क्वायर माइनस फाइव बीटा इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स, एक तरफ शिफ्ट करके क्वाड्रेटिक बना ले, बीटा स्क्वायर माइनस फाइव बीटा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, मिडिल स्प्लिट होगा माइनस थ्री और माइनस टू में, बीटा स्क्वायर माइनस थ्री बीटा माइनस टू बीटा प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, बीटा कॉमन लिए, बीटा माइनस थ्री माइनस टू कॉमन लिए इन दोनों में से, तो बीटा माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। फैक्टर्स बीटा माइनस टू और बीटा माइनस थ्री आया, दोनों फैक्टर इक्वल टू जीरो करके बीटा का फिर से दो वैल्यू आया टू और थ्री, ठीक है। देखिए बीटा का दोनों जगह पे वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है, अगर आप इसमें ध्यान दें तो क्या आपको कोई कॉमन वैल्यू दिख रहा है, देखिए
दोनों जगह पे कॉमन वैल्यू कौन आया? टू, ठीक है, टू। तो जो कॉमन वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। यानी कि अब आंसर का डिक्लेरेशन है, अल्फा के साथ कोई इशू नहीं, तो अल्फा का वैल्यू टू हो गया जैसा निकाले थे हम लोग, और बीटा अभी अभी कैलकुलेट करके हम लोगों को कितना मिला? टू। आप इस बात को समझे, अभी इस क्वेश्चन में जो अनकॉमन वैल्यू होगा उसको नहीं लेंगे, जो कॉमन वैल्यू होगा केवल उसी को आंसर की तरह प्रेजेंट किया जाता है। आपके पास अगर ये क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में मिला तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाला लोग है ना, क्या करता है, एक ऑप्शन में तो आपको ये देगा ही देगा, ठीक है, और गलती करने का भी चांस देगा आपको, किसी एक ऑप्शन में थ्री डाल देगा, किसी एक ऑप्शन में वन डाल देगा, छोटा सा कंफ्यूजन वहां पे आप गलती करके चले आएंगे। तो क्या ध्यान रखना है कि अगर कभी किसी वेरिएबल का मल्टीपल वैल्यूज आ रहा है तो उसमें से जो कॉमन पार्ट है वही आंसर होगा, उसके अलावे और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड? आगे कंटिन्यू करेंगे, एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसका मतलब हुआ कि अब मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करते चलेंगे, ठीक है। कोई एक मैट्रिक्स है ए, किसी भी ऑर्डर का, माइनस टू थ्री फोर फाइव, कितने ऑर्डर का अभी हम लिखे, टू क्रॉस टू ऑर्डर का। मान लीजिए एक और मैट्रिक्स है बी, इसको भी हम इतने ही ऑर्डर का लेंगे, ठीक है, जीरो माइनस थ्री वन टू, ऐसा टू क्रॉस टू ऑर्डर, ठीक है। एक और मैट्रिक्स सी, इससे डिफरेंट ऑर्डर लेंगे, ठीक है, वन माइनस वन सेवन, जीरो माइनस थ्री टू, ये कितने ऑर्डर का, टू क्रॉस, ठीक है। देखिए इसके पास चार एलिमेंट है, इसके पास भी चार एलिमेंट है, मगर इसके पास कितना एलिमेंट है, छह, ठीक है, छह। आप अगर ध्यान दें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ए और बी का ऑर्डर सेम है, मगर जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। तो अगर ऑर्डर बराबर नहीं होगा तो आप ऐड नहीं कर सकते, कोशिश करके देखिए। मान लेते हैं जैसे माइनस टू में वन, तो चलिए ठीक है सॉल्व हो गया, थ्री में माइनस वन सॉल्व हो गया, अब सेवन कहां जाएगा, उसका तो कोई प्लेस नहीं बच रहा है सॉल्व होने का। इस कारण से जब कभी भी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होगा, थोड़ा एसेंशियल कंडीशन, क्या कंडीशन है, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम और इक्वल। जब तक मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर नहीं होगा तब तक हम लोग उसको एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मेरे पास दो पार्ट है ए और बी जिसका ऑर्डर सेम है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो मान लिया जैसे ए प्लस बी निकालना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए मैट्रिक्स माइनस टू थ्री फोर फाइव को हमको ऐड करना है, किससे ऐड करना है, बी से, जीरो माइनस थ्री वन टू, ठीक है। अब जब आप ऐड कीजिएगा ना तो आप ऐसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा उठ के इसके ऊपर आ गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, क्योंकि दोनों का साइज तो बराबर है, दोनों टू क्रॉस टू ऑर्डर का है। तो जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं, ओवरलैप करेगा, तो माइनस टू के साथ कौन उसके ऊपर आया, जीरो, तो ये दोनों आपस में ऐड होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, माइनस टू जीरो इससे ऐड होगा, थ्री किससे ऐड होगा, माइनस थ्री से, फोर किससे ऐड होगा, वन से, फाइव किससे ऐड होगा, टू से। कहने का मतलब है कि जो रिस्पेक्टिव प्लेस का एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के, उसी प्लेस के एलिमेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। अगर प्लस साइन लगा है ऐड करना है, माइनस साइन आ गया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मगर जो जिस प्लेस का एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के उसी प्लेस के एलिमेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सॉल्व करें हम लोग, तो सॉल्व करके रिजल्ट में हमको क्या मिला, माइनस टू थ्री माइनस थ्री जीरो,
सीधा लिखो सीधा। फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस टू सेवन, ठीक है। तो अपने पास इस मैट्रिक्स ए और बी का एडिटिव रिजल्ट यानी एड होके ये इतना वैल्यूएशन प्रोवाइड करता है, ठीक। दूसरा एक और क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए वन थ्री जीरो टू फोर सेवन प्लस जीरो जीरो वन माइनस थ्री टू फाइव, इसको ऐड करना है। तो पहला मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का? पहला मैट्रिक्स टू क्रॉस थ्री ऑर्डर का। दूसरा मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर का? टू क्रॉस थ्री ऑर्डर का। दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड हुआ, मीन्स रिजल्ट में हमको ये मिला वन प्लस जीरो वन, थ्री प्लस जीरो थ्री, जीरो वन वन, टू माइनस थ्री माइनस वन, फोर टू सिक्स, सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व। देखिए रिजल्टेंट भी आपके पास कितने ऑर्डर का है? टू क्रॉस थ्री। यानी कि जब कभी भी हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करेंगे उस टाइम में एलिमेंट्री मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का होता है, जिसको कि हम ऐड कर रहे हैं, वो मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का होता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी उतने ही ऑर्डर का होता है। यानी टू क्रॉस थ्री ऑर्डर के दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड किए तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी जो आया वो भी कितने ऑर्डर का? टू क्रॉस थ्री ऑर्डर का। अगर हम लोग टू क्रॉस टू के मैट्रिक्स को टू क्रॉस टू के मैट्रिक्स से ऐड किए तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया वो भी कितने ऑर्डर का? टू क्रॉस टू। यानी कि मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट चेंज। एडिशन से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत है, कोई ऐसा डाउट जो यहाँ पे नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ भी? बेसिकली स्टार्ट किए हैं इस कारण से हम अभी आपको बहुत किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हम लोग उसको सॉरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन डिस्कशन है। यहाँ बोर्ड वाले में किसी को कोई दिक्कत है, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है, ठीक। देखिए इसी में एक और एग्जांपल ले रहे हैं क्वेश्चन की तरह। मान लिया ऐसे दिया मैट्रिक्स टू थ्री थ्री, जीरो वन टू, वन वन माइनस वन, कितने ऑर्डर का? थ्री क्रॉस थ्री, प्लस जीरो फोर वन माइनस वन, थ्री सेवन टू फाइव माइनस टू, ये भी थ्री क्रॉस थ्री, माइनस टू वन जीरो माइनस वन जीरो थ्री माइनस थ्री फोर फाइव, ये भी कितने ऑर्डर का? थ्री क्रॉस थ्री। तीन मैट्रिक्स है और तीनों का ऑर्डर सेम है थ्री क्रॉस थ्री। फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड से ऐड करना है और थर्ड मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जैसा कि यहां पे साइन दिया गया। हम लोग एक बार में दो को ऑपरेट कर सकते हैं और अगर चाहे ना तो हम लोग तीनों को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तीनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा है। टू फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट प्लस जीरो और माइनस टू। देखिए ये सॉल्व होके फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, जो भी मैट्रिक्स के बीच का साइन है उस साइन को लेके एक साथ ऑपरेट होगा और ये सॉल्व होके आंसर का पहला एलिमेंट देगा। वैसे ही थ्री प्लस फोर और माइनस वन, ये सेकंड, थ्री प्लस वन और यहां पे माइनस जीरो दिया है, जीरो दिया, ठीक है। वैसे ही जीरो, अच्छा प्लस ऑफ माइनस वन है तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? माइनस वन, प्लस ऑफ माइनस वन तो सॉल्व होके क्या देगा? माइनस वन।
और यहां पे माइनस ऑफ माइनस वन है तो सॉल्व होके क्या देगा प्लस वन, ठीक है। फिर उसके बाद इस प्लेस पे वन, इसका प्लस थ्री और यहां पे थर्ड मैट्रिक्स का जीरो, टू इसके लिए प्लस सेवन और माइनस के कारण माइनस थ्री, थर्ड यहां पे वन प्लस टू, वन प्लस टू और उसके साथ माइनस ऑफ माइनस थ्री सॉल्व होके प्लस थ्री, वन प्लस फाइव और यहां पे माइनस फोर, माइनस वन फर्स्ट मैट्रिक्स का एक एलिमेंट माइनस वन, इस प्लेस पे माइनस टू सेकेंड मैट्रिक्स का और थर्ड मैट्रिक्स में माइनस के कारण ये फाइव क्या बन जाएगा यहां माइनस फाइव, ठीक है। देखिए तीनों मैट्रिक्स को कैसे ऑपरेट किए उसके एलिमेंट के हिसाब से, अब कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस इसको सॉल्व करके हम लोग को लिख देना है। तो यहां पे लिख रहे हैं हम, ये आया जीरो, ये आया अपने पास सिक्स, फोर टू वन प्लेस पे जीरो, टू टू प्लेस पे फोर, टू थ्री प्लेस पे सिक्स, थ्री वन प्लेस पे सिक्स, थ्री टू प्लेस पे टू और थ्री थ्री प्लेस पे माइनस एट, ठीक है। तो देखिए हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स तीनों थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का लेके चले थे और फाइनली आंसर भी मेरे पास कितने ऑर्डर का आया, थ्री क्रॉस थ्री का एक मैट्रिक्स आया। तो आपके पास मैट्रिक्स के एडिशन या फिर उसके सब्सट्रैक्शन के लिए एक इसेंशियल कंडीशन है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उसके बाद आपको अगर ऐड करने बोला दो मैट्रिक्स तो उसके रिस्पेक्टिव प्लेस के एलिमेंट को भी ऐड करेंगे, अगर आपको दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने बोला तो उसके रिस्पेक्टिव प्लेस के एलिमेंट को भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको एक साथ तीनों को ऑपरेट करके दिखा दिए, एक बार में बन गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड मैट्रिक्स को पहले एड करके एक मैट्रिक्स लिख लेंगे और उसमें से थर्ड मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दो स्टेप का हो गया, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से जैसा भी कन्वीनियंट फील करें आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तब तक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जब तक हम रब करेंगे। टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स दे रहे हैं, टू माइनस टू थ्री फोर, माइनस माइनस टू फोर जीरो माइनस थ्री, सॉल्व कीजिए इसको। फोर माइनस सिक्स थ्री और सेवन, ठीक है। टू माइनस और माइनस टू फोर हो गया, यहां माइनस टू और माइनस फोर माइनस सिक्स, थ्री माइनस जीरो थ्री हो गया, फोर माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस थ्री ओके सेवन हो गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? सबका बन गया था? नेक्स्ट पार्ट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई कॉन्स्टेंट नंबर, बाई कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है। एक कॉन्स्टेंट नंबर से, एक कॉन्स्टेंट नंबर से हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहां पे ए, किसी भी ऑर्डर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां लिखा है ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। कितने ऑर्डर का लेके चले हम लोग? टू क्रॉस थ्री ऑर्डर, ठीक है। अगर ये बोला गया कि फाइंड थ्री ए, इसके कहने का मतलब क्या हुआ? इसके कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स ए को थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए, कौन से कॉन्स्टेंट नंबर से? थ्री से मल्टीप्लाई करना हम लोग को। तो मल्टीप्लीकेशन का तरीका ये होता है ना कि अगर किसी मैट्रिक्स को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो उसका जितना भी एलिमेंट होगा सबका सब उस कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होता है। मीन्स इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई एनी कॉन्स्टेंट नंबर देन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मस्ट मल्टीप्लाइड बाई दैट नंबर, ठीक है। यानी कि उस कॉन्स्टेंट नंबर थ्री से हमको इसके छह के छह एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या बनेगा? ये ए बन जाएगा थ्री से मल्टीप्लाई होके थ्री ए, बी हो जाएगा थ्री से मल्टीप्लाई होके थ्री बी,
वैसे ही ये 3c, 3x, 3y और 3z, ठीक है। तो आपको ये बात पता चला कि अगर मैट्रिक्स को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उस मैट्रिक्स के भीतर जितना भी एलिमेंट है उसको उस कांस्टेंट नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हुआ प्रोसेस जब एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई होता है एनी कांस्टेंट नंबर। अब इसका यूज, ठीक है, उससे पहले इंडिपेंडेंट तरीके से इस वाले टॉपिक पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इफ ए इज इक्वल्स टू, ए इज अ मैट्रिक्स 2, 5, 2, -1, क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड 5a + 3a। इसका क्या मीनिंग हुआ? अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया है तो इसका कोई दूसरा सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ सिंपल, ये कितना है? 8a है। तो ऐसा आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स में होगा। अभी अभी जो दिया है उसके हिसाब से हम डायरेक्ट 5a कैलकुलेट कर ले, ठीक है। फाइंड 5a ऐसा। तो हमको क्या करना है कि 5a के कैलकुलेशन में 5 से ये जितना भी एलिमेंट है इन सबको मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 और 5 × -1 = -5। ये जो लास्ट में मेरे पास मैट्रिक्स आया ये कितने ऑर्डर का है? ये 2×2 ऑर्डर का है। हम लेके चले थे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स? 2×2। कंक्लूजन क्या मिला कि अगर हम लोग कांस्टेंट नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता है। अगर हम कांस्टेंट नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। यानी यहां पे हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट चेंज आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बाई एनी कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है। किसी कॉन्स्टेंट नंबर से अगर हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। अब दूसरा एक और क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दिया 2, 3, 4, 5, कितने ऑर्डर का? 2×2 ऑर्डर का। दूसरा मैट्रिक्स दिया बी, ठीक है, वो है -3, 7, 1, 0, ये भी कितने ऑर्डर का? 2×2 ऑर्डर का। क्वेश्चन का डिमांड है 2a + 3b क्या होगा? इसके कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मैट्रिक्स बी को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और बाद में दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन यहां सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये क्या बन गया? 4, 6, 8, 10। उसके बाद हमको ऐड करना है मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है 3 से, -9, 21, 30 और बाद में इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 − 9 − 5 = 6, 27, 8, 3, 11, 10, ठीक है, ये अपने पास आंसर आएगा। तो अभी अभी आप ये देखें कि इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी यूज हुआ और साथ ही साथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट भी यूज हुआ। तो क्वेश्चन में इस तरीके का आपके पास डेटा दिया रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये चीज और ज्यादा सिग्निफिकेंटली यूज होता है जब कभी भी मैट्रिक्स के इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के इक्वेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग आज यहीं पे खत्म करेंगे जब हम लोग देखें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगले क्लास में जो मैट्रिक्स इक्वेशन होता है उसको लेके सॉल्व करेंगे, उसको यूज करना सिखाएंगे।